सारा पति बनो कहा उम्मत इकट्ठी होती है। उम्मत इकट्ठी करने का ये तरीका नहीं कि लोग कुरान में इनकार करें, नबी पाक सलाम के फरमान में इनकार करें, खुलफाए राशिदीन में इनकार करें, अहले बैत में इनकार करें, लेकिन इनकार के बावजूद ना इकट्ठा करो। इकट्ठा करने का ये मतलब नहीं, इकट्ठा नहीं होती कि पहले रोना दीन इस्लाम में होते जलाओ ते बाद को ना मुसलमान इकट्ठा करो। इकट्ठे हो से तब मुसलमान इकट्ठे हो से अच्छे अकीदे वाले इकट्ठे हो से नफरत वाले इंकार वाले बंदे करते आले हक ना इकट्ठे नहीं हो सकते। इनकी भी हो सकता कि खोला भाई राशिदीन मरने वाले और उनके ताबेदार भी मौजूद है में ते को मैंने मुनकर उन्हें गाली करने वाले भी मौजूद हो में तो अर्थ है कि मैंने कि तुसी इख्तिलाफ खत्म करो ते इकट्ठे थी गजो के मतलब है। इस वास्ते हाकिम इस्लाम ने एक काम में कि जरा इनकार करने आ पहले उसने इनकार खत्म करो, इनकार खत्म करके बाद तुम बंदे उसने मार कर रखा। और दूसरी अंदर तक आप कितना ऊंचा मकाम है ते कितनी ऊंची शान है उन हस्ती ने जिन्हें सहाबियत का शर्फ और एजाज हासिल होया जेडे वक्त खुलफाए राशिदीन बने जिन्होंने मुताबिक नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमा रहे कि ना है जिन्होंने शान खुद नबी पाक अलैहि सलाम व सलाम बयान करे कि हुन कोई उन्होंने शान ने इनकार करे ये ठीक नहीं। बहुत सामी ठीक रिवायत जाना के रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआ की थी अल्लाहुम्मा इज्जत इस्लाम कि अभी जा जब ने हशाम और वे उमर अब्दुल खत्ताब फअसबह उमर फगदा अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअसलम सुन्नत सल्ला फिर मस्जिद जाहिरा इस्लाम ने इब्तिदाई तौर पे रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआ की थी कि ऐ परवरदिगार आलम इस्लाम में इज्जत अता फरमा अबू जहल बिन हशाम या उमर बिन खत्ताब तक कि ए दो बड़े जड़े ते इना इना जो कई है इस्लाम की दौलत तस्लीम फरमा ते किन्हें नहीं मदद कर कि इस्लाम में इज्जत अता फरमा ऐ अल्लाह इस्लाम में इज्जत अता फरमा अबू जहल बिन हशाम नाल या उमर बिन खत्ताब नाल रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ए दुआ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने हाकिम कबूल हो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने हाजिर हुए इस्लाम कबूल किया ते इस तो पहले अजे मुसलमान बिल्कुल थोड़े मक्की तौर ते नमाज पढ़े छुप के अजे इस्लाम शुरू विच है। अमीर मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने जिसने इस्लाम कबूल फरमाया तो मस्जिद के सामने आके नमाज पढ़ी गई अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज सामने बैठ के नमाज पढ़ता है कोई तो सामने आ गया। उस तो बाद इस्लाम ने भी सामने नमाज पढ़ी गई और अल्लाह पाक जल्ल शानहु अमीर मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की वजह करके इस्लाम का गलबा ते फतह नसीब फरमाया। ते जिन्हां हस्तियां वास्ते रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआ करें ते आपकी दुआ उन्होंने हक च कबूल की थी गए सहाबी नहीं पढ़न ਤੇ ਖਲੀਫੇ ਰਸ਼ਦ ਵੀ ਬਣਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਔਰ ਐਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਚੱਲਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਨਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਨਿਫਾਜ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨੂੰ ਕਰਾਂ
कि लोगों ने बड़े आपस में मसाले के लिए तेरा बात है ते क्या नजरिया उस नाम से किला बनी है भाई खोले पाए आज दीन का मुबारक दौर मौजूद है वो एक नमूने के तौर पर मौजूद है खोले पाए आज दीन जिस तरीके ना निजामी सल्तनत का चलाया उसी तरीके से तुसी अपने मुल्क में मुसलमान मुल्क में काबिज कर दे क्योंकि इस्लाम वाला खैर कुरून वाला अच्छा दौर है एक वो आता है जो खुला फायदा जदीद ना तो खुला फायदा जदीद का निजाम हाफिज कर दे हर इस्लामी मुल्क के खुद ब खुद इस्लाम और शरीयत के मुस्तफा का एजेंडा इस दीन इस्लाम के निफाक की वजह से करके बुलंद हो इस्लाम एक दीन कामिल है मुकम्मल निजाम हयात है इसमें कोई कमी नहीं ये कोई आगे के इस दौर में अगर इस्लाम का निफाज किया वजे शरीयत का निफाज किया वजे तो वह मुल्क की गुण जल से मुल्क इस्लाम के मुताबिक जल से तो पहले ना कई गुना सोने जल से एक इज्जत ना जल से क्योंकि कुरान का फैसला कि अल्लाह पाक के दशात हो दीन इस्लाम गालिब दीन इरशाद फरमाया गलबे आला दीन इरशाद फरमाया कि इज्जत आला के बोली आला दीन इरशाद फरमाया अगर शरीयत मुस्तफा ने निफाज हुए अगर मुल्क ने भी दीन इस्लाम ना कानून होवे तब मुसलमान मुल्क गालिब भी हो सन फतह वाले भी हो सन इज्जत वाले भी हो सन मकाम और मर्तबा वाले भी हो सन पर कामरा को गंदा ना गिरना हो पर कामरा ने सामने अकी झिकी ना हो सन बल्कि मुसलमान निया अपनी उस मजहबी जो इस्लामी इज्जत और गैरत की वजह तो करके काफिर के मुकाबले सर बुलंद हो और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला का वो मुबारक दौर है जिस दौर में इस्लामी सल्तनत तकरीबन पूरी दुनिया होते अमीर मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के दौर में सारे काफिर मग़रूब और मग़रूब है इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया के लिए सब तो बुलंद है अमीर मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला का दौर है और उस दौर की कुछ ऐसे अदवार आए जिसमें अगरचे इंतहाई तौर पर सल्तनत तो नहीं रही लेकिन मुसलमान ने गाने पूर करे और ऐसे इस्लाम ने बादशाह खुदे कि जिन्हें अपनी शाही के लिए निजामे इस्लाम ने सर बुलंद रखा अमीर मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु आपने मकाम और मर्तबा رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا لو کان قاضی نبی لکان عمر بن الخطاب کہ اگر میں نے زبان کوئی نبی ہو گیا تو وہ عمر بن خطاب ہو گیا لیکن میں آخری نبی نبوت کا دروازہ بند ہے اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہو گیا تو عمر نہ کوئی مقام ہے کہ اگر نبی ہو یہ نہ ہستی ہے اتنا اونچا مقام ہے और इतनी बड़ी शान है उम्मत मुसलमान उन्होंने पैरोकारी करनी चाहिए कुफार की पैरोकारी नहीं करनी चाहिए खुद फायदा से दीन की दावेदारी मुसलमान डुब रही है ते यहूद और नसारा की पैरोकारी मुसलमान नहीं डुब रही आपका मकाम और मर्तबा आदीस ने बहुत ज्यादा मौजूद है एक रिवायत है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं ख्वाब देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं ख्वाब देखा एक खूह
खुशबू ही तो उसे मौजूद है ते उसे बोके पे डोल बोके फरमाया कि मैं उस कुएं ने जो पानी कटा वो क्या था जितना अल्लाह चाहा मैं उस जो पानी कटा उस तो बाद इब्ने कुहाफा इब्ने अबू कुहाफा यानी सिद्दीक अकबर अबू बकर सिद्दीक के अल्लाह बाद आप वो डोल लपा और आप पानी कटा कई बोके कई डोल हजरत अबू बकर सिद्दीक कटे लेकिन उसे कुछ ज़ोर है और अल्लाह ताला जल्ला शानहू हदीस के लफ्ज़ हैं कि वो आप फरमाए बख्शिश फरमाए इस तरह एक बड़ा वसी मफहूम है कि इस तरह के माना कि अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक के अल्लाह ताला ने दौर में कितने सिर जाया ते काफी सारा सहाबाए किराम ने दुआ अल्लाह ताला अलैहि अजमईन इस तरह जाहिरी एतबार ना नुकसान हुआ कि बड़े सहाबा शहीद हुए ए वो सारे बातें ही जा रहा इस तो बात का डोल जड़ा वो हजरत उमर फारूक ने हथे जाया नबी पाक अलैहि सलाम व सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं ये किया जड़ा बात नहीं देखा जिस इन्हीं रात उसने जो पानी कटा वे जिको उमर फारूक कटा लोग राज राज के पानी पीता थे आपने जब बड़ा विवाह की रजा की उठे वहां भी देता इरशाद फरमाया ए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खाम इरशाद फरमाया कि मैं अपने खिलाफ के बीच उमर फारूक रजी अल्लाह तआला की ताकत जड़ी उस मुलायदा फरमाया और वाकई में जिसने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला का दौर आया ना कि उस वक्त में इस्लाम का गलबा हो गया इस्लाम गालिब हो गया हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने दौर और इस्लाम ने शक्ना के रूह जमीन के ऊपर गालिब हो गई और छा गई जब नबी पाक अलैहि सलातो सलाम इरशाद फरमाया कि इसलिए आपकी बारी आई है कि आप इतनी डोर कटे और इतनी ताकत का आप मुजरे फरमाया कि ये के जगह देखने ही नहीं आ और दूसरी रिवायत में इरशाद फरमाया हजरत अबू सईद रजी अल्लाह तआला की रिवायत है वो फरमाया कि नबी पाक अलैहि सलातो सलाम इरशाद फरमाया ये भी ख्वाब है नबी पाक अलैहि सलाम हम यहां ने ख्वाब की हक और है सच होने हकीकत होने इरशाद फरमाया कि बैठे होते लोग पेश किए गए ते उन्होंने होते कमीज नहीं हो पाई है जुबे बाद ना वो सीने तक आया जड़ा होते लिबास है और वादा ना उस तो भी ज्यादा है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला को जिसे आए कि आपकी जड़ी कमीज है वो इतनी लंबी है कि आप उसे घसीट रहे सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह तआला ने इंतजार की थी या रसूलुल्लाह इस नवा के माना नबी पाक अलैहि सलाम फरमाया इस जमाना दीन है इस जमाना दीन है अमीर मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दौर मुबारक के लिए तीन पूरे हुए जमीन के उनके बारे में फैल ते जिन हस्तियों ने मुतलिक नबी पाक अलैहि सलात व सलाम इतनी बशारतें इरशाद फरमाईया इतनी खुशखबरियां इरशाद फरमाईया और जिन ने मकाम और मर्तबा खुद अपनी मुबारक जुबान में इरशाद फरमाया उन्होंने सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन आपने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਖਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਆਖਣੇ ਅਸੇ ਤੇ ਜੱਲੇ ਲੋਕ ਪਤਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਸ ਸੁਣ ਦਾ ਕੋ ਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕੋ ਸੇ ਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਮੁੰਕੇ ਖੁਦ ਭਾਈ ਰਾਜ ਦੀਨ ਨੇ ਮੁੰਕੇ और सहाबे के
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤਾਲ ਆਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕਾਹੀ ਕਰਦੇ ਆਲੇ ਅਸਿੱਟੇ ਅਹਿਲ ਸੁਨਤ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਹਿਲ ਸੁਨਤ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੈਰ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾ ਦੀਨ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਨਾ ਦੀਨ ਸਮਝਣਾ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੀਨ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਇਹ ਸਖਤੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਵਾਰੀਏ ਫੈਲਾ ਰਹਾ ਹੈ ਖੁਲਾ ਬਾਇਨਾ ਕਿ ਦੀਨ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਕੱਢੇ ਤੇ ਦੀਨ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਫਿਰਕਵਾਰੀਏ ਤੇ ਸੀ ਅਪੱਠੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕਵਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀ ਜੋ ਖੁਲਾ ਬਾਇਨਾ ਦੀਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਖੁਲਾ ਬਾਇਨਾ ਦੀਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਪੈ ਕਰੇ ਇਹ ਖੁਲਾ ਬਾਇਨਾ ਦੀਨ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਗਰ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਚਾਇਆ ਉਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਉਸਮਾਨ ਗਦੀ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦਾ ਦੀਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਮਜ਼ਹਬ ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਰਿਵਾਜ਼ੁਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਲੇ ਮਜਮਈਨ ਨੇ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਲੇਕਿਨ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਮਜਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਪੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਇਹ ਸ਼ੀਅਨੀਆਂ ਮਦਰਸਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਤਮ ਇਸ ਵੇਖਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨਹੁ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀਨ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਜਰ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਦੀਨ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨ ਜਮਾਤ ਦਾ ਦੀਨ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੇਦਰੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਹੋ ਹਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਦਰੀ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਮਜ਼ਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਕ ਨੇ ਵੇਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے روزہ پا کے اس نے ہوتے باقاعدہ نشان وہ گول گیا جڑا ایک الماری ہو کے کھڑکی بنی ہوئی ہے سوال کہ اس نے سامنے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا مزار پا کے اگے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا مزار مبارک ہے اور اگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جنہاں اللہ پاک یہ اعزاز نصیب فرمایا اور روایت نے جانا کہ ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے وچ آئے جس لے کمزوری والے ایام ہے ایک ہی پاسے ابو بکر صدیق ہے دوسرے پاسے عمر فاروق ہے تو اپنے غلاماں نے ٹیک نے اوتے مسجد شریف میں داخل ہوئے جس لے ایک منظر سارے صحابہ کے سامنے آ رہا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ آج کیڑا منظر دیکھنے پہ ہوئے اسے دیکھو یاد رکھو کہ قیامت والے دیہاڑے بھی یہ منظر ہوسی حشر والے دیہاڑے جس میں میں آسا اکی پاس ابو بکر ہو سکتی ہے بعد عمر فاروق ہو سکتی ہے یہ خلفاء راشدین کا مقام ہے کہ جڑا خلفاء راشدین نے انکار کرے اسا اس کو جتی کی جگہ تے بنا رکھا ہے یاد رکھو اس وقت ایسے گمراہ لوگوں کو پوچھو ਤੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਮਾਤਮ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਕਾਲੇ ਕਪੜੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਆਲੇ ਬੈਤੇ ਕਿਰਾਮ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਮਹਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹਰਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਬਾਤਾਂ ਡੰਡੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜੱਲਾ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਅਦਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਮਹਫੂਜ਼ ਮਾਮੂਨ ਫਰਮਾਏ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਅਦਬ ਅਸਾਂ ਅਹਲ ਸੁਨਨਤ ਕੋ ਆਲੇ ਬੈਤ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਅਦਬ ਅਸਾਂ ਅਹਲ ਸੁਨਨਤ ਕੋ ਔਲੀਆ ਕਾਮਲੀਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਔਰ ਅਦਬ ਅਸਾਂ ਅਹਲ ਸੁਨਨਤ ਕੋ ਸਾਰੇ ਇਮਾਮ ਇਮਾਮ ਆਜ਼ਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫਾ ਇਮਾਮ ਸ਼ਾਫੀ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ امام احمد بن حنبل انہوں نے غلامی کے ادب ہی اثار اس سنت کو اس واسطے دین اسلام نظریہ اہل سنت جماعت سمجھ کے
उसके ऊपर पक्का रख लेनी अशक करते कि किसी चीज का ना ईमान है। अल्लाह पाक के दरबार में सोने